ऐसे स्टूडेंट जो कि कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो आप सबके लिए गुड न्यूज है गाइस, आप सबके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, ये जो थर्ड ईयर में है, जो कि फोर्थ ईयर में है, जो कि सेकेंड ईयर में है। अगर कॉलेज में आप सबके पास अवेयरनेस ही नहीं होती, आप सबके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम करते हैं। गाइस कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आकाश मंडल, आप देख रहे हैं इसमें सेल्फ यूनिक। अगर आप अभी से प्रिपेयर होना चाहते हो, क्योंकि क्या होता है गाइस, कॉलेज में आप सबके पास अवेयरनेस ही नहीं होती है। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनको कॉलेज में बीम इंजीनियरिंग के बारे में पता ही नहीं रहा होगा कि बीम क्या होता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होता है, या फिर स्ट्रक्चर के बारे में शायद पता हो, पर पीवी के बारे में नहीं पता होगा, और भी कई ढेर सारी प्रोफाइल्स रहती है जिसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं होगा। तो इस केस में गाइस क्या होता है कि लोगों को पता नहीं चलता, तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम करते हैं, जिस टेस्ट में एटलीस्ट बच्चों को ये तो पता चले कि व्यायाम होता क्या है। तो ये टेस्ट गाइस बहुत सिंपल होने वाला है, बीम सिविल क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 5 जुलाई से रखा गया है। मैं चाहता हूँ जो लोग भी कॉलेज में है, यहाँ पर नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को जस्ट अपने लाइक दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो लोग भी कॉलेज के अंदर है, कि भाई एक फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पर सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस और ऑटो कैड के क्वेश्चंस, यही दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मीन्स ऑटो कैड के कुछ बेसिक क्वेश्चन क्यों, क्योंकि उससे पता चलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह आपको आता है कि नहीं। उसके अलावा बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जैसे कि डेंसिटी है, उसके बाद स्टील का परसेंटेज है, ये छोटी छोटी चीजें जैसे कि आपको मिक्स प्रोपोर्शन का क्या होता है, कॉलम में मिनिमम और मैक्सिमम कितना परसेंटेज ऑफ स्टील होता है, उसके बाद आपका जैसे कि क्रैंक बार क्यों डालते हैं, लैपिंग क्यों डालते हैं, ऑटो कैड में कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड का क्या यूज होता है, मीन्स जो एक फ्रेशर्स जान सकता है वही चीजें इस टेस्ट के अंदर आपसे पूछी जाएंगी। तो ये टेस्ट में टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होंगे उन सभी स्टूडेंट्स को हमारे तरफ से बीम की कंप्लीट ट्रेनिंग फ्री की जाएगी, बट उस ट्रेनिंग की एक छोटी सी शर्त रहेगी कि उनको 80% से ज्यादा अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये शर्त क्यों, क्योंकि अगर वो मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे गाइज तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सफल नहीं हो पाएंगे उस करियर के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि वो क्लास में आए और डेली क्लास में आए, 80% अटेंडेंस उनको सबमिट करना पड़ेगा। टॉप 10 स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ आप चेक भी करिए कि यार मुझे कुछ आता है सिविल इंजीनियरिंग अंदर, जो आता है चलो मैं देखता हूँ कितना आता है मुझे। तो इसके लिए 5 जुलाई को डेट डिसाइड किया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर सारा प्रोसेस कैसे करना है, कैसे अटेंड करना है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है और ये मेरा ये मुहिम कैसा लग रहा है गाइस, इस मुहिम का बस इतना उद्देश्य है कि लोगों को कॉलेज के अंदर पता चले कि भाई बीआईएम नाम की भी कोई चीज होती है, लोगों को पता चले कि स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज होती है। इसके अलावा अभी हम लोग प्रीकास्ट और पीईबी पर भी ऐसा कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम करने के प्लान में है, होप सो बहुत जल्दी उसको भी करेंगे। जो लोग कॉलेज में या फिर जो भी टीचर्स हैं, मैं चाहूंगा टीचर्स लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे क्या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं या फिर किसी स्टूडेंट ने आपको शेयर किया इस वीडियो को, तो आप लोगों से मैं छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमें पर्सनली अगर लाइक हमसे मैसेज पे बात कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम आपके कॉलेज के सारे बच्चों को ये टेस्ट दिला सकते हैं, उनकी बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग को स्ट्रांग देख लेंगे कितना कितना स्ट्रांग है, और इसके लिए कुछ फंडामेंटल्स नोट्स भी रहेंगे जो कि आपको व्हाट्सएप के अंदर ही, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे वहीं पर हम शेयर कर देंगे, सारा क्वेश्चन उन्हीं नोट्स से रहेगा गाइज। कुल मिलाकर उद्देश्य है कि जिसका बेसिक्स स्ट्रांग हो वो आएगा अगर ट्रेनिंग में तो अच्छा परफॉर्म करेगा, इस उद्देश्य से इस टेस्ट को रखा गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, होप लाइक दिस, जय हिंद। और इसको कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये कैसा है और इसको मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए स्कॉलरशिप या नहीं करना चाहिए। जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स है जो कि यूनिक सिविल की फैमिलीज है, उन सबसे मेरा ज्यादा सपोर्ट का नीड है, तो आप लोग इसको शेयर करना कि पहली बार हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं।